तो हमास को तो इजराइल हर बार निशाना बना रहा है, लेकिन एक बार फिर से आधी रात को इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बड़ा हमला किया है। यह हमला कफर किला इलाके में किया गया है, जिस जगह पर हमला हुआ ठीक उसी जगह से न्यूज 18 इंडिया की टीम की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इसराइल लगातार हिजबुल्लाह के ठिकानों को हमला कर रहा है, निशाना बना रहा है। इस वक्त दक्षिणी लेबनान के इलाके में हम मौजूद है। देखिए ये जो पूरी आप देखेंगे पूरा इलाका, यहीं पर ही इसराइल ने अब से थोड़ी देर पहले यहां निशाना बनाया। अगर भारतीय समय के मुताबिक बात करें तो करीब 12:30 बजे इसराइल ने दो बड़े रॉकेट से हमला किया है। और आपको बता दें कि अगर लेबनान के समय की बात करें तो करीब 9 बजे यह हमला किया गया है, और बताया जा रहा है कि रिहायशी इमारत पर अटैक किया गया है और बड़ा हमला किया गया है। तस्वीरों में हम लगातार दिखा भी रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले हिजबुल्लाह ने इसराइल के कई ठिकानों पर अटैक किया था। ये जो पूरी बेल्ट देख रहे हैं दक्षिणी लेबनान का इलाका है, काफर किला में ये अटैक किया गया है। दरअसल लगातार जो हमला है एक दूसरे पर वो बहुत तेज़ हो गया है। काफर किला और तेलन हास इलाके हैं, दो ऐसे इलाके हैं जहाँ पर अटैक किया है इसराइल ने, और बड़ा हमला हिजबुल्लाह के ठिकानों पर किया है। आपको बता दें कि दावा किया जा रहा है कि रिहायशी इमारतों पर अटैक किया है, लेकिन लगातार जिस तरीके से इसराइल और हिजबुल्लाह आमने सामने है, ये जंग और तेज़ होती चली जा रही है। इससे पहले हिजबुल्लाह ने अटैक किया था और अब करीब भारत के समय के अनुसार 12:30 बजे इसराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बहुत बड़ा हमला किया है।